आंवला एलोवेरा का जूस आप सुबह पानी में डाल करके ले सकते हैं, फिर टॉयलेट हो जाता है। जब आप आंवला एलोवेरा तेज़ गर्म पानी में पीते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में, किसी किसी का 5 ही मिनट में और किसी का तो 2 ही मिनट में, सबके जो है पेट की टेंडेंसी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ 2 से 5 मिनट में, अधिकतम 10 से 15 मिनट थोड़ा टहल लेते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है। नहीं तो बहुतों को तो 1 घंटा पेट साफ होने में लग जाता है, चाय पीते हैं फिर थोड़ा चक्कर लगाते हैं फिर दोबारा चाय पीते हैं, वो उसी में समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ले सकते हैं, जिनको लहसुन लेना होता है लहसुन भी सुबह सुबह ले सकते हैं, किसी का खून बहुत गाढ़ा होता है तो प्याज का रस भी ले सकते हैं। टॉयलेट आदि जाने के बाद में फिर किसी किसी को मांसपेशी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 1 चम्मच ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ये ज़बरदस्त होता है। और टॉयलेट आदि जाने के बाद एक्सरसाइज करने के पहले या बाद में आप लौकी का जूस पी सकते हैं, जो डायबिटीज़ वाले खीरा करेला टमाटर का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस में पुदीना हरा धनिया, हरा पुदीना हरा धनिया और थोड़ा सा सेंधा या काला नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं और उसमें थोड़ा नींबू मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें, और जिनको एसिडिटी होती है नींबू से वो नींबू ना डालें। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनका फैटी लीवर है, ओबिसिटी है या ऐसे ही एक हेल्दी आदमी है तो वो ये थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा नींबू डाल करके पी लेते हैं तो लौकी का जूस बहुत स्वादिष्ट लगता है, सबको ले लेना चाहिए।